देखो भाइयों, गांव में बहुत चोरी हो रही है, अब हमें प्रधान से बात करनी पड़ेगी। हाँ चलो। हाँ ऐसा कब तक चोरी होती रहेंगी यार, चलो चलो। प्रधान जी। हाय प्रधान जी। ये कौन सा तरीका हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट घर में को आ गए। मैं आज भी भोफड़े कुछ काम वाम भी करता होता। तू क्या कर रहा, चल निकल यहां से। हाँ तो बताओ क्या बात है। प्रधान जी, रात इनके घर में बहुत मोटी चोरी हो गई। ओफो भाई, मुझे बहुत दुख है भाई तेरी बहू के चुनने का। प्रधान जी, बहू नहीं चुनी, मेरा इतना मोटा पैसा चुर गया। अरे तो फफड़े ऐसा बताना, माल चुरा, मैं सोचा बहू चुरी दिखाई, मोटी तो वही थी ना, मैं तो उसे समझ गया। अभी बता किसी पे शक है। हाँ शक है। किस पे शक है बता। इस पे मुनाजिर पे शक है। अबे अबे तूने करी चोरी इसके घर में। प्रधान जी, माना कि मैं चोर हूँ, हाथ लपकू, लेकिन रात मैंने चोरी नहीं की, मुझे कुछ काम था, मैं वहां था। किस काम में बिजी था? मैं बता साले किस काम में बिजी था, बात को मत चावे। प्रधान जी समझे करो, जुमरात थी। अबे यार ये तो बहुत खतरनाक जगह बिजी था, वहां से तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये लोंडा निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, चोर कोई और है। अबे साले तुम्हें जागते हुए समझ चाहिए, तुम्हारे घर में चोरी हो रही, तुम्हें पता नहीं लग गया? अरे प्रधान जी कुछ समाधान तो बताओ इसका। समाधान? हाँ, कल को हमारा लोंडा दिल्ली से पढ़ कर आया रिजवान, वो पढ़ा लिखा युवा समझदार है, इसका समाधान वो ही निकालेगा। चलो जी चलो फिर भाई। प्रधान जी अभी तक लोंडा नहीं आया। अबे देख बे कुर्ते को हाथ में लगा, अपने लोंडे की आने खुशी में डेढ़ महीने पहले धुलवा दिया कि जब मेरा लोंडा आगा तो इस कुर्ते को पहनूंगा, इसे हाथ मत लगाई बताई दूसरे में। ए प्रधान जी अभी तक तो आया ना। साले तेरे समझ में कैसे बात नहीं आ रही भाई, जब मैंने तुझसे कह दिया कुर्ते को हाथ मत लगा, प्रेस खराब हो जाएगी। अबे लोंडा मेरा, मैंने भेजा दिल्ली पढ़ने, तुझे किस बात की जल्दी हो रही है, आ जाएगा यार। प्रधान जी बस आ गई, बस आ गई। भी मना करा, कुर्ते को हाथ मत लगा, मत लगा, बार बार हाथ लगा जा रही है फोफड़े वाला। वो तो मुझे भी दिख रही बस आ रही है, उंगली से बता सकता। प्रधान जी आ गई बस। हाँ हेंचो तब भी ना मान गया, साले तुझ पे चप्पल ही फेरू है। प्रधान जी कुर्ता तेरी बेन का फोफड़ा तेरी का। प्रधान जी तेरी बेन का फोफड़ा के सुबह को नेट कर दिया तूने बहन, चल तू ना नया कुर्ता, चल फोड़े नया कुर्ता बनवा के दे मुझे। बेटे रिजवान, एक सुबह से पूरा गांव तेरे इंतजार में है कि कब आगा भाई प्रधान जी का लोंडा। बेटे जैसे तू पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा ही तो ना हूं। हाँ बताओ। तो बेटे मैं ये कह रहा हूँ, आए दिन गांव में चोरी होती रहती है, कभी इसके घर में, दो दिन छुपे इसके घर में, तीसरा दिन छुपा इसके घर में, आए दिन भोपली के यहाँ पंचायत होती रहना, तो इसका कोई समाधान निकाल। बाबूजी हमें खोलनी पड़ेगी गांव में बैंक। बैंक? अबे बेटे ये बैंक क्या होती है? बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रहता है, जब दिल चाहे निकाल लो, जब दिल चाहे बाहर दो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पर बेटी मेरे लालिया खुलेगी कैसे? डीएम को पत्र लिखना पड़ेगा, वहां से अप्लाई आगा, बैंक खुल जाएगी। चले बेटे कॉपी, ये ले पेन और लिख पत्र, फोफड़ाली शाम तक तो खुलो बैंक। अरे यार बाबूजी तुम्हारे लोंडे इतनी दूर से थका हुआ है, आते पंचायत जोड़ दी ना, पानी वानी को पूछ ले। हाँ तो सही, गाँव वालों परेशान मत होना, मेरा लोंडा आ गया रिजवान पड़ गए, ये समाधान कर देगा सब चीज का। जाओ अपने घर को जाओ। अनवर भाई बहुत ही सेफ गांव है, और उससे भी ज्यादा शरीफ इस गांव के लोग, अब 5-6 दिन यहीं काटते हैं, कम से कम पुलिस से तो बच रहेंगे यार। चलो सही कह रही हो भाई। अरे लो आ गए बाबूजी, बाबूजी आ गए, ये मेरा भाई आ गए। अबे बेटे कौन आ गए? बैंक वाले, बैंक के लिए तो आए हो तुम। बावले हो रहा, हम किसी की बहन बहन के लिए नहीं, बदतमीज हो। अरे बैंक के लिए, बैंक बावले बैंक के लिए तो आए हैं, बैंक के अधिकारी तो है हम। हाँ। दिखाओ कहाँ है जमीन। चलो
अरे तो हम गांव वालों को बैंक का प्रोसेस बताओ। बैंक का प्रोसेसर ये है, तुम अपनी मालो दौलत कितना ही पैसा जमा कर दो, कोई तुम्हारा एक रुपया नहीं चुरा सकता। और दूसरा, अपना जब तुम्हारा जिगर है पैसा निकालो, जिसका खाता होगा वो निकाल लेगा, और तुम्हें ब्याज भी मिलेगा 2%। मान लो तुमने 50,000 रुपये एक साल तक जमा रहने दिए, तो तुम्हारे 51,000 रुपये हो जाएंगे। लो बाबूजी, फायदे की बात बता रहे हैं। और टेंशनों को, हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक स्कीम और बनाई है। क्या? तुम अपनी बहू भी जमा कर सकते हो। बहू जमा करने से क्या फायदा? अगर बैंक में तुम अपनी बहू जमा करते हो ना, तो उसका रहना खाना, कपड़े लेते, दवाई चुदाई सब बैंक देखेगी, समझ लो। और एक मजे की बात और सुन लो। क्या? बहू पे भी 2% फ्री। वो कैसे? एक साल तुमने बहू जमा रखी, एक बच्चा फ्री। और बच्चा भी खूबसूरत, ऐसा आड़ा टेढ़ा तुम्हारे जैसा नहीं, हम दोनों जैसा। विधान जी, ये बातें बाद में होती रहेंगी, आप सबका पैसा जमा करवाओ जल्दी, चोरी बहुत हो रही है भाई। आओ। अभी बैंक वाले भाई साहब, हमारा पैसा सेफ रहेगा या ना? अबे चोट्टा समझ रहे आ गया, दादा इलाही काम है हमारा। मैं तो ये कह रहा हूँ, पैसा तो जमा करी कर, अपनी अम्मी और जमा कर, और जल्द से जल्द शादी करके अपनी बहू भी जमा कर। यार तुम्हारी सर्विस तो बहुत बढ़िया। देखो यार, आदमी के अंदर डर तो रहता ही है, पैसे का मामला है ना। अबे क्या कर रहा है? मैं अपनी फेवरेट एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। भाई जैसे तेरी एक फेवरेट एप्लीकेशन है ना, ऐसी मेरी भी है। मैं बात कर रहा हूँ बिनोमो की। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ न्यू फीचर है, जैसे न्यू चैट्स ऐड हुआ है जो मार्केट में सबसे फास्ट है। ट्रेनिंग मटेरियल के साथ उसमें सब्सक्रिप्शन और पेमेंट मेथड को रिस्टोर किया है। पेमेंट डिपॉजिट और ट्रेड कैसे करेंगे? भाई आप USDT में, क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं, और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिससे रजिस्ट्रेशन में आपको 15 सेकंड लगेंगे, और आपको डेमो अकाउंट में $10,000 मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी। मैंने अपना 3,000 का डिपॉजिट किया और ट्रेड शुरू किया। देखो मैं तुम्हें ट्रेड करके दिखाता हूँ। वाओ, मैंने 1 मिनट में देखो कितना पैसा अर्न कर लिया। यार ये तो बहुत बढ़िया भाई। और एक बात और, इसके अंदर 24x7 विड्रॉल कर सकते हो। वैसे तो आप UPI या फोन पे से किसी से विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आप इसमें अगर क्रिप्टो से करोगे ना, तो 2-3 मिनट में ही पैसा आ जाता है। ये भी सही है। आप डिपॉजिट में जाके अपनी कंट्री चूज करके क्रिप्टो में कर सकते हैं, और इसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके प्राइज भी पा सकते हैं। सबसे सिंपल और क्लियर प्रोसेस, अप और डाउन। मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 7 साल से अधिक बिनोमो की रिलेबिलिटी और सिक्योरिटी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करो और अभी रजिस्टर करो। अभी करता हूँ। क्या नाम है? प्रधान। 1.5 लाख रुपए। ये लो स्लिप लाओ। चाचा क्या नाम है? आबिद खां। 50,000 रुपए। लाओ चाचा। भैया क्या नाम है? बली। 30,000 रुपए। ये लो स्लिप, जाओ। गांव वाले बाहर निकलो, हम बर्बाद हो गए, बैंक लूट के ले गए, प्रधान ने हमारे साथ धोखा कर दिया, बाहर निकलो। चले बेबी नाच ले, कूद कूद के जरा बाल खोल के टांग उठा के, बस नाच ले, बस नाच ले बेबी नाच ले। अरे नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच। अरे नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच। आँख मिलाए जा, तू बैग पे बैग पिलाए जा, अकड़ वकड़ अम्बे वा, अभी बजे है 9:30, तू कह रही है जाने दो, जी भर के रोमांस करेंगे, रस्ट अपका दूं होटो का, पैसे की तू टेंशन ना ले, बैग रखा है नोटो का, बस नाच जा। अरे नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच। अरे नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच नाच बेबी नाच। हम
दो भैये है दो नाली बंदूक रखी है गाड़ी में, नोटो की तू बात न कर नोट लगा दू साड़ी में। अरे ठुमक ठुमक कमर तेरी फाड़ जिगर।